अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लेके आ चुका हूँ आपके लिए लेटेस्ट OB35 की हाई सेंसिटिविटी कॉन्फ़िग फाइल। ये फ्री फायर मैक्स दोनों की कॉन्फ़िग फाइल है। इनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइल ऐड की हैं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि आप दो तीन फाइल दे देते हो। इसमें मैंने आई थिंक मैक्सिमम 8 फाइल्स मैंने इसमें ऐड की हुई, जिन सबका प्रोसेस अलग अलग है। तो आप लोगों ने उनके कम्प्लीट देखना, कंप्लीट आपने समझ लेना है कि कैसे मैंने किया। तो मैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को शाउट आउट दे दें। शाउट आउट वाले चैनल का नाम है सोनाक्षी गेमर, जिन्हें मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इनको कमेंट से उठाया। आप लोग भी वीडियो के नीचे कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट किया करो। ये देखें, मैंने इनको कमेंट से जाके चैनल को उठाया। चैनल को मैंने यहाँ से सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब करके मैं इनके चैनल को ओपन करके दिखा देता हूँ। इनका चैनल बहुत अच्छा है, मैंने पहले विजिट किया है। इन्होंने ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं अपलोड की, अगर आप लोग इन्हें सपोर्ट करोगे तो ये वीडियोज़ भी और ज़्यादा अपलोड करेंगे। तो आप लोगों ने इनको चैनल को जाके सपोर्ट करना। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यार वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, इसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो सिंपली से हम अपने अप्लाई प्रोसेस की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगी, जिसको आप सिंपली से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फ्री फायर मैक्स हाई सेंसिटिविटी कॉन्फ़िग फाइल मिल जाएगी, जिसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपने टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल में पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड मैंने वीडियो में बता दिया, तो वही पासवर्ड आपने सेम लगाना है। मैंने पासवर्ड लेटर्स वगैरह मिल गया, तो आप लोगों ने वही लेटर यूज़ करने। अगर आप कोई भी लेटर मिस कर दोगे तो पासवर्ड रॉन्ग कंसीडर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पासवर्ड नहीं लगेगा। तो मैंने पासवर्ड लगा लिया। यहाँ पे ओके के बटन पर टाइप करना है। ओके के बटन पर टाइप करने के बाद आपको यह फाइल एक्सट्रैक्ट हेयर हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट हेयर होने के बाद आपको यहाँ पर फाइल ओपन करनी है। यहाँ पर आपको सिंपली से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। मुझसे यहाँ से 2 वाली फाइल गलती से सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे इसी फाइल को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाली फाइल को आपने सेलेक्ट करना है। मुझसे यहाँ से 2 वाली फाइल गलती से एक्सट्रैक्ट हो गई है सिलेक्ट, तो मैंने इसको कट करके दोबारा से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉपी और कट के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आपको कट का चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की साइड पे क्लिक करना है। ऊपर की साइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ डिवाइस मेमोरी का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आपको इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। इस एंड्रॉइड के बटन पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कॉम्प्यूटर डीटीएस फ्री फायर का फोल्डर मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट की का फोल्डर मिल जाएगी, जिसको आपने सिंपली से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कंपल्सरी का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आपने लिया ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गेम बंडल्स का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक UI का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटी की फोल्डर मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फाइल आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे आपकी फाइल पेस्ट होगी तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली से वापस बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाना है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप इस पर सिंपली से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपनी वही फाइल में आ जाना। फाइल में आने के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फुल डिवाइस सेंसिटिविटी की फाइल मिल जाएगी, जिस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग जैसे आप मल्टी सेलेक्ट करो, मल्टी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। सिंपली से आपने भी इसको कट करना है। कट या कॉपी आप जो भी मर्जी कर सकते हैं। ऊपर की साइड पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड का फोल्डर मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉम्प्यूटर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कॉम्प्यूटर डीटीएस फ्री फायर का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन कर लेना है। इस फाइल का फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिनमें से आपको कंटेंट की वाले फोल्डर में आ जाना है। कंटेंट की वाले फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे कंपलसरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको अपने सिंपली से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको अपने सिंपली से ओपन नहीं करना, आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, जिस तरह से मैं आ रहा हूँ डिवाइस मेमोरी में आके मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ। तो यहाँ से मैं सीधा वापस आ जाऊँगा। वापस आने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यह फाइल आ जाएगी, फाइल मिल जाएगी, इस फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नोट कॉल का एक फाइल मिल जाएगी, जिसको आपने सिंपली से यहाँ से कट कर लेना है। मैं यहाँ से नोट कॉल वाली फाइल को कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद यहाँ से ऊपर की साइड पे आपको क्लिक करना है। ऊपर की साइड पे क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस मेमोरी में आ जाना है। यहाँ से डिवाइस मेमोरी जो फोल्डर शो होगा, इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड का फोल्डर होगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कॉम्प्यूटर डीटीएस फ्री फायर का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद
यहाँ पे आपको फाइल्स का फोल्डर मिल जाएगा जिसको आपने सिंपली से ओपन कर लेना है। इस फाइल के फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको कंटेंट वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपलसरी में आ जाना है। कंपलसरी का फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉइड में आ जाना है। एंड्रॉइड का फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गेम बंडल्स में आ जाना है। इस गेम बंडल के फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जिनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कॉन्फिग का। अपने कॉन्फिग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी। जैसे आप फाइल पेस्ट करके तो आपकी नोड कोड वाली फाइल भी पेस्ट हो जाएगी। ये फुल एंड बैन है, तो सिंपली से हम इन्हें वापस जाते हैं। इनसे आईडी कोई भी वगैरह बैन नहीं होगी आपकी, किसी भी आईडी को कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों ने बिना झिझक अपनी ये फाइल यूज़ कर लेनी है, अपनी मेन आईडी में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन फिर से मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो से आपने फिर से इस फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये दो बूस्टर फाइल्स नज़र आ रही होंगी जो हमारी है लैग फिक्स की, तो हमने सिंपली से इनको भी कट कर लेना है। यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको ऊपर की साइड पे डिवाइस मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने सिंपली से इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाटा का फोल्डर मिल जाएगा, जिस पर आपने सिंपली से क्लिक कर देना है। इस डाटा के फोल्डर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉम्डो डीटीएस फ्री फायर का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आई एप टू का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आपकी फाइल पेस्ट होंगी आपका अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।